हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाई नेक ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। इसमें जो कॉलर होगा इसमें इनविजिबल पाइपिंग होगा, तो ये किस तरह से लगाना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाऊंगी। ये 4 डॉट ब्लाउज पे होगा। तो पहले मुझे बैक पार्ट कट करना है। तो ये जॉइंट साइड है और ये ओपन साइड है। ओपन साइड ये मैंने फेब्रिक को 2 फोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले इसका लेंथ लेना है। ये 32 साइज होगा, तो लेंथ 13 चाहिए। तो सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो 14 इंच मैंने लेंथ लिया। उसके बाद शोल्डर आपको अपने हिसाब से लेना है। जिसका जितना शोल्डर है उसका हाफ लेना है, उसी हिसाब से लेना है। इनका शोल्डर थोड़ा ज्यादा है, 14 इनका शोल्डर है, तो 14 का हाफ 7। तो मैं सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया, 7.5 इंच लिया। उसके बाद शोल्डर को मुझे यहाँ से 0.7 डाउन करना है, यहाँ से यहाँ तक 0.7। फिर आर्म होल के लिए पॉइंट देना है, ये मैं 6.2 रखूंगी। यहाँ से यहाँ तक 6.2। फिर इसको मिलाना है, तो यहाँ से भी लेना है 7.5। ये मैंने मिला दिया। उसके बाद 32 का चौथा हिस्सा लेना है, ये है 8। चौथा हिस्सा 8 होगा। उसके बाद उनको ज्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, लगभग 1.5 इंच से 1.5 इंच। तो 1.5 इंच इनको एक्स्ट्रा लेना है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको जितना चाहिए आप उसी हिसाब से ज्यादा 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो अभी इसको शेप देना है। तो अभी मुझे यहाँ से शेप देना है, मैं थोड़ा अंदर की साइड से दूंगी। ये इस तरह से हल्का सा अंदर की साइड से मैं दूंगी। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करके दूंगी। ये मैंने छाती ले लिया। उसके बाद नेकलाइन कितना देना है ये मैं 2.5 इंच रखूंगी, 2.5। यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लिया। फिर नीचे की तरफ मुझे 1/2 इंच डाउन करना है। अभी इसको हल्का सा गोलाई का शेप देना है इस तरह से, और ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिलाना है। दोनों पॉइंट मिला दिया। अभी कमर कितना लेना है, इधर 9.5 है, तो मैं इधर 9 इंच रखूंगी। तो अब इसको काट करना है। अभी फ्रंट पार्ट काट करना है। अभी यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट के लिए मेजरमेंट लूंगी। इसमें फैब्रिक कम है इसलिए मैं इस तरह से, ये जो फ्लावर है ये इस तरफ रहेगा, ये सीधा नहीं रहेगा क्योंकि इसमें फैब्रिक कम है। ये फ्रंट साइड पे रहेगा। ये भी मैंने 2 फोल्ड किया, ये भी ओपन साइड है और ये भी ओपन साइड है, क्योंकि ये फ्रंट में हुक रहेगा इसलिए फ्रंट पे ओपन रहना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, 0.6 पे एक पॉइंट देना है, 0.6, क्योंकि सामने हुक पट्टी और आई पट्टी होगा इसलिए मुझे 0.6 ही ज्यादा लेना है। तो पहले मैं इस पे पॉइंट लगा देती हूँ। उसके बाद ही मुझे यहाँ से मेजरमेंट लेना है। बिल्कुल ये जो मैंने पॉइंट दे इसको मिलाते हुए ये रखना है। ये मैंने दे दिया। अभी जैसे है पहले बिल्कुल वैसे इस पे पॉइंट लगा देना है।
अभी इसको उठा देना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल पॉइंट दे दिया। तो अभी इस पे सबसे पहले जो करना है, यहाँ से मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, नीचे की साइड से एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा क्यों लेना है, क्योंकि इसका इस पे भी डार्ट होगा और इस साइड पे भी डार्ट होगा, ये 4 डार्ट का होगा। तो डार्ट देने से इसका जो लेंथ है ये कम हो जाएगा। ये मैं 1 इंच का डार्ट लगाऊंगी, इसलिए मैं नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया बैक साइड से। अभी यहाँ से मुझे हल्का सा 1/2 इंच ज्यादा लेना है इस साइड पे। उसके बाद मुझे आर्म होल के लिए पॉइंट देना है। बैक साइड पे आर्म होल 6.2 था, तो इसमें मैं 6.5 इंच रखूंगी। 6.5, ये हुआ 6.5। तभी बैक साइड पे शोल्डर था 7.5, ये 7.5 था। तो अभी मुझे यहाँ पे 7 इंच का लेना है, बिल्कुल यहाँ पे आता है, तो इसको भी मिलाना है। अभी इसको भी शेप देना है। इस तरह से मैंने ये शेप दे दिया, यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करके दिया। उसके बाद हमें यहाँ से नेक डीप लेना है, जो कॉलर होगा। कॉलर के लिए मैं पहले 3 इंच पे पॉइंट लगाती हूँ और यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से। तो मैंने ये कॉलर के लिए तैयार कर दिया। अभी इस पे थोड़ा शेप देना है, ज्यादा गोला भी नहीं देना है और भी नहीं देना है, इस तरह से मैंने कॉलर के लिए पॉइंट दिया। अभी आपको नेक डिप के लिए, फ्रंट नेक डिप के लिए देना है। आपको कितना नेक डिप चाहिए, जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये 5.5, ये बहुत ही छोटा है। जो लोग छोटा नेक पहनते हैं वो लोग 5.5 दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो, 6.5 भी दे सकते हो या 7 भी दे सकते हो। तो मैं इसको 7 इंच पे रखूंगी, 7 इंच। फिर यहाँ से भी लेना है 2.5 इंच। अब इसको भी मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। तो अभी हमें यहाँ पे एक शेप देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और एक पॉइंट देना है, ये मैं 1.5 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 1.5 इंच पे दिया। तब इसको क्या करना है, इस तरह से देना है। तो ये जो शेप है ये आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वही ये दे सकते हो। तो अभी मैं पहले जो ये शेप दिया था इसको अभी क्या करूंगी, इसके साथ मिला दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। इसके साथ मैंने मिला दिया ऐसे। तो अभी इसको काट करना है। तो अभी इस पे डार्ट के लिए पॉइंट देना है। यहां से मैं 6.5 इंच पे डार्ट लगाऊंगी, यहां से यहां। उसके बाद ये जो मैंने पॉइंट दिया यहां से लगाऊंगी 3.5 इंच पे और इसके ऊपर की तरफ बिल्कुल यहां से लूंगी मैं 4 इंच, इतना तक उठाऊंगी।
ऐसे। इसका जो डार्ट है ये लगभग मैं 1.5 इंच का दूंगी, तो शेप बहुत ही अच्छा आएगा। 1.5 यहाँ से यहाँ तक। अभी इसको इस तरह से मिला देना है। ये जो डार्ट है आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आपको कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। उसके बाद यहाँ से दूंगी, बिल्कुल मिडल में से मैं दूंगी। इस तरह से यहाँ तक लेके आना है, इस तरह से पहले एक राउंड शेप दीजिएगा, सर्कल करके देना है। इस तरह से देने से बहुत इजी होता है, फिर यहाँ तक आपको ये डार्ट देना है। ये जो डार्ट है ये मैं 1 इंच का लगाऊंगी, दोनों साइड मिलके मुझे 1 इंच का देना है। इस तरह से ऐसे, फिर बिल्कुल इसको मिलाते हुए हमें यहाँ से ये डार्ट देना है। ये मैं 1 इंच से थोड़ा कम रखूंगी, 1.25 का दूंगी इस तरह से। और यहाँ से भी देना है, ये मैं 4 इंच पे रखूंगी। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ये सीधा भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से ये दे सकते हो। तो इसको बिल्कुल इस तरह से मिलाना है। और ये भी मैं 1 इंच का रखूंगी, 1/2 इंच 1/2 इंच सेम इस तरह से मिला देना है ऐसे। अभी इस पे काट लगा के रखना है। अभी ये जो बकरम बचा हुआ है इसमें से मैं इसको चिपका दूंगी इसके साथ। ये दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। करने के बाद आपको बिल्कुल इसको इस तरह से मिलाते हुए आयरन से चिपका देना है, दोनों पार्ट को अलग अलग करके, बिल्कुल अलग करके इसको चिपकाना है। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड पे कैनवास चिपका दिया। आप चाहो तो कैनवास लगा सकते हो, नहीं लगाओगी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसपे डार्ट देना है। तो अब ये जो डार्ट है ये डार्ट लगाना है। ये सभी डार्ट मैंने दे दिया। उसके बाद देखना है बैक साइड के साथ मिला के देखना है। ये बैक साइड का आर्महोल का साइड, इसके साथ इसको मिला के देखना है बिल्कुल बराबर से है या नहीं, या छोटा बड़ा हो गया। ये देखिए बिल्कुल बराबर हुआ है ये। उसके बाद हुक पट्टी लगाना है। तो इसपे मैं आई पट्टी लगाऊंगी, इसलिए इतना चौड़ा ने मैंने फेब्रिक लिया। इसको बिल्कुल अंदर की साइड से बाहर की तरफ लेके आऊंगी इस तरह से। और इसपे मैं हुक पट्टी लगाऊंगी।
इस तरह से आएगा ये। अभी इस पे मैं नेक पट्टी लगाऊंगी। नेक पट्टी के लिए मैंने ये उरे पट्टी लिया, तब इस पे मैं स्टिच करूंगी। अभी मैं ऐसा हल्का सा काट लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का से लगाना है। तो अभी इसको इस तरह से पलटना है, इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग की तरह थोड़ा स्टिच कर देना है। देखिए अभी ये जो फैब्रिक है इस पे तुरपाई करना है। मैं इस पे बाद में इस तरह से तुरपाई कर दूंगी ऐसे। इस पे मैं कोई काट नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से रहेगा ये। ऐसे घुमा के मैं इस पे तुरपाई कर दूंगी। अभी दूसरा भी सेम तरीके से स्टिच कर लूंगी। ये मैं यहां से पहले इस तरह से स्टिच कर दिया, बाद में इस पर तुरपाई कर दूंगी। आप चाहो तो मशीन में भी रख सकते हो या तुरपाई भी कर सकते हो। अभी ये है बैक साइड पे भी 3.5 इंच पे डार्ट देना है। सिंपल जैसे डार्ट होता है बिल्कुल वैसे इस पे डार्ट देना है। अभी दोनों शोल्डर ज्वाइंट करना है, बैक और फ्रंट का शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो अभी यहाँ से कॉलर के लिए मेजरमेंट लेना है, कितना कॉलर चाहिए। बिल्कुल मैं ऐसे लूंगी, यहाँ से मेजरमेंट लेना है। ये लगभग 13 इंच का 1 पॉइंट कम है, 13 इंच का इसमें कॉलर लगेगा। तो ये जो कैनवास बचा हुआ था इसमें से मैं कलर तैयार करूंगी। सही जगह पे रहता नहीं इसलिए मैं पहले यहाँ से एक स्टिच कर दिया। उसके बाद यहाँ से कैनवास कम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जब शेप दूंगी शेप में ये कवर हो जाएगा। तो मुझे 13 इंच का कॉलर चाहिए। तो बैक नेक कितना था, बैक नेक का चौड़ाई कितना था, 2.5 इंच था इतना। उसके बाद कितना लिया, ये मैं 3.5 इंच पे लगाऊंगी, इतना लगेगा नहीं, 3.5 लिया। तो अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच उठाना है। आप 2.5 इंच भी उठा सकते हो, 2.5 इंच भी उठा सकते हो, क्योंकि इसमें उतना राउंड नहीं चाहिए। तो 2.5 इंच पे इसको मिला के दिखाती हूँ। उसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से आपको लेना है, ये 1.5 इंच पे पॉइंट देना है। उसके बाद इसको इस तरह से मिला के देना है।
ऐसे मिला देना है। अभी कॉलर लेना है, आपको जितना चौड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं 1 इंच पे रखूँगी, आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ऐसे लेना है, फिर इसको मिला के देना है। आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करके देना है इस तरह से। अब यहाँ से आप चौकुर भी रख सकते हो, राउंड भी दे सकते हो, इस तरह से राउंड भी दे सकते हो। तो ये हो गया, अब इसको काट करना है। तो ये काटने के पहले आपको चेक करके देखना है 6.5 इंच है या नहीं। इंची टेप से आपको ये मेजरमेंट लेना है। तो मैं यहाँ से लूँगी मेजरमेंट, बिल्कुल मिलाते हुए। तो इधर बिल्कुल बराबर से 6.5 इंच है, तो मैं अभी इसको कट कर लूँगी। ये मैंने काट कर लिया। अभी ये जो कॉलर है इसको अलग फैब्रिक पे चिपकाना है आयरन से, या स्टिच करके भी चिपका सकते हो। ये मैंने ये जो कैनवास से फैब्रिक पे सा चिपका दिया, अभी यहाँ से स्टिच लगाना है। उसके पहले मैं इसे पाइपिंग लगाऊंगी, तो जहाँ तक ये कैनवास है बिल्कुल वहीं से मुझे ये पॉइंट देना है। ये देखिए बिल्कुल कैनवास के हिसाब से मैं इस तरह से लगा रही हूँ। मैं इस पे डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। डोरी पाइपिंग किस तरह से बनाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ये जो मैंने पॉइंट दिया था बिल्कुल इस पे मिला के लेना है, ये इस तरह से। ये हो गया, अभी यहाँ से और एक फैब्रिक ज्वाइंट करना है। ये फैब्रिक ज्वाइंट करने के पहले हमें यहाँ से स्टिच करना है, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। अभी यहाँ से और एक स्टिच लगाना है। ये जो मैंने स्टिच किया था बिल्कुल इसके हिसाब से, इसके बराबर से इसको लेके जाना है। ये इनविजिबल पाइपिंग है, ये पाइपिंग तैयार हो गया। अभी यहाँ से 1/2 इंच रखना है, रखने के बाद बाकी जितना है पूरा काट कर देना है इस तरह से। अभी इसका मिडल निकाल लेना है, इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसका बिल्कुल मिडल पे पॉइंट देना है। यह है इसका मिडल,
और ये है ब्लाउज का मिडल। ये जो कॉलर है आप बीच में से भी, जो मिडल है मिडल से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ये लगा सकते हो। ये है बिल्कुल मिडल। ये कॉलर लगाने के बाद अभी ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से अंदर की तरफ देना है, मिला के देना है, फिर यहाँ से स्टिच करना है। यहाँ पे हल्का सा काट लगाना है। बिल्कुल यहाँ से भी देना है। ये कॉलर पूरा तैयार हो गया। अभी इस पे आस्तीन लगाना है और फिटिंग्स देना है, बाकी हुक नॉर्मल जैसे, उसके बाद फिटिंग्स देना है। इसका मेन है ये कॉलर तैयार करना ये था, और ये है इसका बैक साइड, ये देखिए पाइपिंग बहुत ही बारीकी से ये पाइपिंग तैयार हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।